हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मेरी मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह है, गोल्डन जुबली। तो ये दिन बहुत ही शुभ दिन होता है हर किसी की लाइफ में। ये दिन आए तो हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट में हम इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से हमने किस तरह की डेकोरेशन कराई है अपनी मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह पर। तो ये दिन सभी जोड़ों के लिए आए तो बहुत ही अच्छा दिन होता है। तो आज के दिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसे रहे, उनका प्यार बना रहे, तो ये बहुत खुशी का दिन होता है। ये मेरे पापा हैं और मेरे पापा को, मतलब मेरी पूरी फैमिली को डांस का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो हमने मम्मी को भी रेड साड़ी पहनने के लिए बोला था, और पापा के दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा मैच हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। और शादी की सालगिरह पर उन्होंने अपनी रेड कलर की साड़ी पहनी, जो कि उन पर बहुत जच रही थी। रेड कलर वैसे भी सब पे बहुत ज़्यादा जचता है। छोटा भाई एंकरिंग कर रहा था, उसको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही शौक है। और मेरे सास ससुर उनको मम्मी पापा को स्टेज पे लेके आए। अब स्टेज पे सिर्फ वही दोनों हैं, और दोनों देवती ने उनको जयमाला दी एक दूसरे के गले में डालने के लिए। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। और वैसे भी कहीं ढोल बजे, म्यूज़िक बजे, तो इनसे बिना थिरके रहा नहीं जाता है। हम सब बोल रहे थे कि थोड़ा आराम से करो, आराम से मतलब कि सही से जयमाला डालो, और बस जहाँ म्यूज़िक बजा बस कूदना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ही खुश थे आज, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मम्मी भी बोल रही हैं थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ी देर में कर लेंगे। हम सब बोल रहे थे कि पहले से फ़ोटोग्राफी करा लो, वीडियो बनवा लो, तो ये सब। तो फिर इन लोगों की जयमाला हुई, रिंग सेरेमनी हुई, रिंग पहनाई दोनों ने एक दूसरे को, और उसके बाद केक कटिंग हुआ। तो ये सब हमने अपने पेरेंट्स के लिए किया। सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ में, तो हमें भी जब हमारे करने का टाइम होता है, बच्चों के करने का टाइम आता है, तो हमें अपने पेरेंट्स के लिए उनको सुख देना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब बच्चों को करनी चाहिए अपने, जिससे कि पेरेंट्स खुश रहें। तो और ये देखो, यहाँ पे सब बैठे हैं, और फिर सब नीचे आ गए थे, सिर्फ उन दोनों को ही हमने खड़ा किया था, जिससे कि उनके अच्छे से वीडियो और ये सब बन जाए। बाद में सबकी फ़ोटोग्राफी हुई है, सब ने गिफ्ट दिए, और सबके साथ में उनके मम्मी पापा ने फ़ोटो खिंचाए, और ये सब बैठे हैं मम्मी बड़ी दीदी के साथ, मतलब सारे फैमिली मेम्बर बैठे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। तो ऐसे अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ वीडियो या फ़ोटोग्राफी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो बस ये भी मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी, पर मैं इसी में रही बनाने में, मैंने इतना इन्जॉय नहीं कर। अब मम्मी पापा केक काटेंगे दोनों मिलके। तो पहले टाइम में तो कौन एनिवर्सरी मनाता था, तो कभी आज तक मम्मी पापा ने एनिवर्सरी अपनी इस तरह सेलिब्रेट नहीं की है, और उस टाइम में तो कोई करता भी नहीं था। तो हम बच्चों ने ही इनको कहा कि हम आपके 50वीं शादी की सालगिरह मनाना बहुत ही शुभ होता है, मतलब कि ये तो बहुत ही शुभ की बात होती है, सबके लिए दिन आए बहुत अच्छी बात होती है। तो अब केक कटिंग हो रहा है, उसके बाद सब ने अपने गिफ्ट दिए, मम्मी पापा खड़े हो गए हैं मेरे इन लोज, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। सबको बुलाया था मम्मी पापा ने, तीनों वीडियो के इन लोज को बुलाया था, अब बच्चों के बस ये कुछ खास फैमिली मेम्बर थे उधर की साइड के, और तीनों बेटी की साइड के बस यही लोग हमने बुलाए थे, बाकी और नहीं थे। तो हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। डांस का घर पर ही सब डांस किया, डीजे का टाइम ओवर हो चुका था, भव्या और कृतिका ने सोलो डांस किया, उनके सोलो डांस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, तो सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया जोर पर। तो अब आप डांस का मजा लीजिए और देखिए हमारे लोग कैसा लगा। तो चलो डांस करते हैं।
इन्जॉय करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सबको अच्छा डांस ही आए, सब अपने मस्ती में मस्त है, जिसको जैसा आता है वो वैसे ही डांस कर रहा था और खुश खुश डीजे वाले बाबू को सुना रहे हो क्या आप? ये डीजे वाले भैया को सुना रहे हो कि उनको सुना रहे हो? डीजे वाले भैया बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, अभी मैं कुछ आगे नहीं कह रहा हूँ। छोटी सी गीता मंगा दे काना मुझे, छोटी सी गीता मंगा दे नाना, चाहिए तेरे कानों के कुंड थोड़ा सा ज्ञान करा दे काना मुझे, थोड़ा सा ज्ञान करा दे काना मुझे, छोटी सी गीता मंगा दे नाना, चाहिए तेरे पैरों की पायल नाच बुआ जी ने भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कान्हा जी का एक भजन, बहुत सुंदर भजन सुनाया। तो बुआ जी बहुत ज़्यादा कान्हा जी के भजन गाती हैं, पर अब एज के हिसाब से उनसे गाने गाए नहीं जाते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बहुत अच्छा भजन सुनाया। गाना गाने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो गा रही थी, हम तो मना कर रहे थे रहने दो, थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अपने मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह मनाई। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे न्यू ब्लॉग? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।